आप बहुत चिंतित रहते हैं, आप अपनी वीरता और वह त्याग दे हनुमान, तुम ठीक कहते हो, तुम जैसे वीर साथी के होते हुए मुझे कोई भय नहीं है, परंतु मुझे हर समय चिंता सताए रखती है मेरे भैया पाली अपने दूतों को गुप्तचरों से कहीं मेरा ये छिपने का ठिकाना ना ढूंढते हो। ਸਾਡੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਆ ਗਈ, ਸਾਡੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਹਮਸੇ ਧੋਖਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਸਕੇ ਦੂਤ ਹਮਾਰਾ लगाने आते हो। और पाली बहुत बलवान है और हम पर आक्रमण करने आ जाए। आप चिंता न करें महाराज, हम वानरों के होते हुए ये आपकी चिंता व्यर्थ है। ये तो ठीक है, कृष्ण रस्ते हटा दे, इन्होंने सब पिछों आ रहे हैं। हनुमान तुम शिविर जाओ और पता लगाओ कौन आ रहे हैं। ठीक है महाराज। कठिन पथ है आपका, है अति गंभीर। महाराज आप कौन है, ब्राह्मण और शरीर अपनी सिया को ढूंढ रहे, सुधी अभी तक नहीं पाई है, मुसलमानों के तो सब मददगार, निर्बलता कौन सहाई है। हम दोनों भाई राम लखन अब खेल रहे हैं प्राणों पर, धरती के दुष्टहीन धरती आशा है अपने बाणों पर। हे ब्राह्मण देवता, हम अयोध्या के राजा वशिष्ठ के पुत्र हैं, राम लक्ष्मण हमारे नाम है, हमारे साथ हमारी पत्नी सीता भी थी, किंतु एक दिन हमारी गैर हाजिरी में सीता को हर के ले गया। अब हम उसी की खोज में डर डर फिर रहे हैं। हे विप्रवर, अगर अनुचित ना हो तो हमें भी अपना परिचय दीजिए। ना कहूं क्या आपसे, जानत है स्वामी सभी तीन बंधु भगवान महाराज।
तो वानर है, ब्राह्मण शरीर का तो का है, चल कल सुग्रीव से मिलिए जो कपि मंगल के नेता है। स्वामी हम सच्चे सेवक हैं, सेवा में प्राण बढ़ाएंगे, जो काम आप करने आए हम उसमें हाथ बटाएंगे। हे प्रभु, मैं ना तो ब्राह्मण हूं ना कोई साधु, मेरा नाम हनुमान है। हे अंतर्यामी, आप तो तीनों लोगों के ज्ञाता हैं, भगवान मुझे क्षमा कीजिए, मैंने अपने स्वामी को पहचाना नहीं, क्योंकि मैं तो माया के वश में सब कुछ भुला फिरता हूं। परंतु हे नाथ, अपने आप सेवक को कैसे भूल गए, मुझसे ऐसी क्या भूल हो गई कि दीन बंधु मुझके जान कर भी अनजान बन गए। हे हनुमान, तुम मुझे लक्ष्मण से भी अधिक प्रिय हो, तुम अपने मन में इतना नीमत रखो, सेवक तो मुझे सबसे प्रिय है, परंतु यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं? प्रभु, मैं इन दिनों अनराज सुग्री जी के पास हूँ, वे अपने भाई के अत्याचारों से तंग आकर यहाँ छुपे बैठे हैं, आप उनसे मित्रता कीजिए और उन्हें निर्भय कीजिए, वे भी अपनी सेना सहित माता सीता की खोज में आपकी हर मदद करेंगे। चलिए प्रभु। अच्छा हनुमान जी, जैसी आपकी इच्छा। भगवान, यही वानर सुग्रीव जी हैं जो अपने भाई बाली के आए हुए हैं। हमें भी इनका परिचय करवाइए। महाराज, ये दोनों राजकुमार योद्धा नरेश महाराज के सुपुत्र राम और लक्ष्मण हैं। प्रभु, मेरे अहोभाग्य जो आपके दर्शन, भगवान मुझे पूरा विश्वास है कि आपके सहयोग से मेरा संकट दूर होगा, किंतु महाराज मुझे भी आप इस प्रकार बन बन घूमने का कारण बतलाइए। सुग्रीव जी, हमारी माता कैकेयी ने किसी समय महाराज दशरथ से दो वर भाग पाए थे, एक दिन अवसर पाकर उन्होंने हमारे छोटे भाई भरत पे दे रहा और हम दोनों के लिए वनवास मांग लिया। पिताजी को अपना वचन निभाना पड़ा, इसलिए हमें घर छोड़कर वनों में आना पड़ा। मेरे अनुज लक्ष्मण तो मेरी धर्मपत्नी सीता भी मेरे पास साथ वन में आ गए। कुछ दिन पूर्व हमने पंचवटी में डेरा लगाया था,
हमें धोखा दे दिया, हमारी गैर हाजिरी में सीता को हल्के ले गया। अब हम सीता की तलाश में बन बन भटक रहे हैं। प्रभु, मैं एक दिन इसी पर्वत पर बैठा था कि एक विमान काठ में जा रहा था, उसमें एक स्त्री विलाप करती हुई अपने जेवर जमीन पर फेंक रही थी। मैंने वे आभूषण इकट्ठे कर लिए और अपने पास रख लिए। सुग्रीव जी, वे आभूषण हमें दिखाएं। जी प्रभु, मैं अभी वे आभूषण लेकर आता हूँ। प्रभु, ये रहे वे आभूषण। अवश्य प्राण प्यारी सीता के हैं। भैया लक्ष्मण, तुम भी देखो। क्या बताऊं भैया, मैं माता के मानों के आभूषण नहीं पहचान सकता। हाँ, अगर माता के पैरों के आभूषण हो तो उन्हें मैं जरूर पहचान सकता हूँ, क्योंकि मैं जब रोज सुबह माता की चरण वंदना करने जाता था तो मेरी नजर उनके पैरों पर पड़ती थी। मुख मंडल पर तो मैंने कभी देखा ही नहीं। तो लक्ष्मण, ये देखो, ये तो पांव की पायल है। देखो, तुम्हारी प्रिय के शरीर से अलग होकर ऐसे काली पड़ गई है। लक्ष्मण, तुम इसे तो पहचानो। हाँ भैया, ये वश्य माता के चरणों की पायल है। धन है लक्ष्मण जी, आप जैसे देवर इस सृष्टि में मिलना बहुत मुश्किल है। सुग्रीव जी, हमने तो अपनी सारी कहानी सुना दी, अब आप ही हमें भाई भाई में दुश्मनी का कारण बतलाइए। हे प्रभु, हम दोनों भाइयों में बहुत प्रेम था, हम बहुत आनंद से रह रहे थे। कुछ समय पूर्व मुझसे अनजाने में एक भूल हो गई। अपराध यह है कि एक नरभक्षी राक्षस को मारने के लिए हम दोनों भाई उसके पीछे गए। पाली और वह राक्षस लड़ते लड़ते एक गुफा में चले गए। मैंने कई दिनों तक गुफा के बाहर रहकर भाई का इंतजार किया, परंतु वह वापिस नहीं आया। फिर एक दिन उस गुफा के बाहर एक खून की नदी बहती देख मैं डर गया और मैं वहां से भाग गया। पर तब नवरत्नों ने मुझे जबरदस्ती इस सिंहासन पर बिठा दिया। उसके कुछ दिनों के बाद भाई उस नरभक्षी को मारकर वापिस आ गया। उसे सिंहासन पर देखा बैठ मैं बहुत क्रोधित हुआ और मुझे पूरी तरह पीट कर और मेरी पत्नी को छीन लिया और मुझे घर से बाहर निकाल दिया। उसी दिन से डर कर मैं इस पर्वत पर छुपा बैठा हूँ, क्योंकि उद्धव ऋषि के श्राप के कारण वह इस पर्वत पर नहीं आ सकते। सुग्रीव जी, आप किसी प्रकार की चिंता ना करें, मैं हर तरह से आपकी सहायता करूंगा। हे प्रभु, पाले बहुत बलवान है, वो देखिए वो सौ का वृक्ष, वो दुंदुमी राक्षस का पिंजर,
आपके सामने हाजिर है। वह बाली की बहादुरी का सबूत है। आप देखिए, मैं अभी एक दुकान से अभी इन्हें गिरा देता हूं। रामचंद्र महाराज की जय। धन्य महाराज, महाराज अब मुझे विश्वास हो गया कि आप जरूर पाली का वध करेंगे और मेरा शोक मिटाएंगे। सुग्रीव जी, अब आप जाकर पाली को दलकारिए और जब वे आपको बातें आए तो आप भागना नहीं। मेरा एक ही मान उसे हमेशा की नींद सुला देगा। जैसे आज्ञा भगवान। जय श्री राम। 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 तो किस प्रकार मंत्री जी काफी समय से सुग्रीव की कोई खबर ही नहीं आई। पता नहीं कहां छुपकर बैठ गया है। फिर उसने अपनी शक्ल ही नहीं दिखाई। महाराज उस पर रहम कर दिया जाए तो बेहतर होगा। मंत्री जी, परंतु ऐसे निर्णयों को माफ करना महाराज, मैं तो इसलिए कह रहा था क्योंकि वह आपका भाई है। अपनी जुबान बंद रखो। आप बोले बाहर निकल। आज मैं रोज रोज का झगड़ा मिटाऊंगा या तुझे मारूंगा या खुद मरूंगा। आज मैं तेरी अच्छी तरह से मरम्मत बनाऊंगा। जरा ध्यान में आ भाई, बैठे बैठे पागल मत बना। गया नाथ पाली का शायद कबूल मेरे सामने आया। शेखी मत किता साहब, जब तेरी वीरता का पता Thank you.
मुझे जो ज्यादा परेशान
हाथ फेंक दिया जाए तो मैं उन्हें भी देख लूंगा। अरे बेशरम, उस वक्त फौत का जान बचाई, कुछ और ना मिल पाया, तुझे जरा भी लाज ना आई। मुझे दे दे, गई आई ना झगड़ा और ना लड़ाई। सवाल हमारा गद्दी के, तुम्हारा कोई हक नहीं। और तेरी मां ने भी कोई शक नहीं। समझो समझो, अब तेरे सिर पर मेरी गदाओं की है। गदा उल्टी नहीं, तेरी तकदीर उल्टी है। लोगों के बूट बात से नहीं माना करते, यार चलने के नरमी को नहीं जाना करते। तो बगाना तो कसी अपना, तूने तो अपना तोड़ माना दिया। कौन का क्रोश है पापी, नरक का ईंधन है तू। मौत का खाना उनके चील का तू है खाना। और जो झगड़ा मिटाना है सदा के वास्ते, तुझको इस फीस से मिटाना है सदा के वास्ते। चला जा पहुंचो, अन्यथा बुरा फल पाएगा। अब मैं कदा चलाऊंगा यदि तुम छुपा चलाएगा। अरे इतनी जवाब राजी, अभी करता हूं मैं इतनी मेहमान वाली। Ah! 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 Ah!
उसी चोरी में आपके चरणों की सेवा करूं। पुत्र अंगद, आज तुम राम के चरणों की सेवा करना अपना भाग्य समझना और अपने चाचा सुग्रीव को पिता समान आदर देना। उठो, धैर्य से काम लो, यही संसार का नियम है। देवी, आप धैर्य धारण करें, मोनी तो अटल है। पृथ्वी, जल, अग्नि और आकाश और वायु इन पांच तत्वों से ये शरीर रचा गया है। ये जो शरीर तुम्हारे सामने पड़ा है, ये तो सोया पड़ा है, जीव तो नित्य है, फिर आप क्यों शोक कर रही है? प्रातः लक्ष्मण, तुम सुग्रीव जी के साथ जाकर महाबली बाजी का सम्मान सहित दास संस्कार करो। तत्पश्चात सुग्रीव को राजा और अंगद को युवराज का टीका देकर चले आना। कोई ऐसी निशानी दीजिए जिससे माता
लेगी, सीता तुम पर विश्वास कर लेगी, राम प्रभु हमें जाने की आज्ञा दीजिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो किस प्रकार माता सीता की जय, श्री राम दूतम शरणम तपते। प्रभु राम के कार्य हेतु अपने प्राणों की आहुति दे दी। सचमुच धन्य है जटायु जी। अरे तुम लोग कौन हो जो मेरे भाई जटायु की चर्चा कर रहे हो? महात्मन, हम श्री राम के दूत हैं, सीता माता की खोज में आए हैं। महात्मन, माता सीता का जब दंडनवत से हरण हुआ तो उन्हीं को बचाते बचाते महात्मा जटायु जी ने अपने प्राणों की बलि दे दी, जिसने माता सीता का हरण किया है उसने ही महात्मा जटायु जी का वध किया है। अरे मैं उसी जटायु का भाई हूँ, धिक्कार है मुझ पर, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। सुनो मैं तुम्हें बताता हूँ कि अपार दृष्टि का मालक होता है। मैं तुम्हें देख के बताता हूँ, उस त्रिकुट गिरी पर्वत पर लंका है, वहीं पर रावण ने सीता माता को एक अशोक वाटिका में बंदी बना कर रखा है, लेकिन सौ योजन समुद्र पार करना बहुत कठिन कार्य है। है कोई वीर जो सौ योजन समुद्र पार कर सके? मैं बाहर तो जा सकता हूँ लेकिन वापस लौटने में संदेह है। हे पवन सुत्र हनुमान, ये कार्य आपके द्वारा ही संभव है। आपका बल पवन के समान है, देवताओं ने आपको अजर अमर होने का वरदान दिया है। मैं देख रहा हूं कि आपके शरीर में बल और तेज बढ़ रहा है। निस्संदेह आप ये कार्य अवश्य पूर्ण करेंगे।
को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो पल समय रवि भक्ष लियो तब तीनों ही लोक भयो अंधियारो काहि सो त्रास भयो जग को यह संकट काहु सो जात न टारो देवन आनी करे बिनती तब छाड़ी दियो रवि कष्ट निवारो को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो राम के नाम का जाप करो तुम निस दिन राम ही राम उचारो राम रमे रहो राम सुनो चाहो राम का नाम तुम्हें अति प्यारो राम के सेवक राम दुहाई राम पे आई विपदा तारो को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो लंका जाओ सिया सुधिलाओ केवल आस तिहारी है अपने बल का कुछ ध्यान करो हनुमत महा बलधारी है जय श्री राम जय श्री राम शक्तियां हो जाते हैं तब सभी प्रभु का नाम लेकर पवन पुत्र हनुमान जी को उनकी सभी शक्तियां याद लाते हैं तब पवन पुत्र हनुमान कहते हैं कि अब मैं लंका में जाकर माता सीता की खोज करूंगा और तब तक आप इसी वन में रहना तब पवन पुत्र हनुमान 100 गज पार कर लंका में प्रवेश करते हैं और लंकनी का दृश्य आप देखेंगे सर्वप्रथम विभीषण जी के उन गृहस्थ होते हैं और अशोक वाटिका में माता सीता जी का वो दृश्य आप देखेंगे जितने भी फल फ्रूट की सेवा की है सब प्रसाद बांटा जाएगा श्याम लाल गुप्ता जी हमारे यूनिक ब्यूटी पार्लर के पवन पुत्र हनुमान अपनी शक्तियों को जान करते हुए किस प्रकार लंका में प्रवेश करते हैं और लंकनी के द्वारा रोका जाता है वो एक ही मुड़कर द्वार वो लंकनी का कर देते हैं और तब लंकनी जाते हैं कि ब्रह्मा की स्त्री जहां हो एक वर दिया था कि अब लंका का विनाश चुरी जाए और उसके पश्चात रावण के दरबार में किस प्रकार हनुमान जी को ब्रह्म पास में बांट कर मेघनाथ लेकर आएगा आप देखेंगे चंद्र जय श्री जय श्री देखेंगे रावण का बहुत ही सुंदर रोल दीपक शर्मा जी
अक्षय कुमार की रोल में आज एक बेहतरीन कलाकार मम्मा मलेशिया आपको एक बेहतरीन रोल में दिखाई देंगे। अक्षय कुमार और जगी के हमारे मेघनाथ की रोल में आज एक नया इतिहास दिखाएंगे। किस प्रकार वो पवन पुत्र हनुमान जी को ब्रह्मास में बात कर रावण के दरबार में लेकर जाते हैं और and not
दुख भरी बात कहां से आ रही है, कौन इस प्रकार ना भूल हो रहा है, ओ ना हो इसी तरफ शोक सीता माता रावण के अत्याचारों से तंग आकर श्री राम को पुकार रही है, मुझे इधर ही चलना चाहिए। चार वेदों के ख्याता महापंडित महाज्ञानी काल विजेता लंकाधिपति रावण अशोक वाटिका में पधार रहे हैं। सीते नहीं कह सकता कि तेरे मुख में क्या शक्ति है, मेरे प्रेम की आग मेरे सीने में भड़कती है। तो धर्मी परिस्थिति ऐसे बातें करते हुए तुझे ले जल ही आती नहीं छिपाए चित्त में सुंदर रूप पार होती मिलकर धूल में बरकत है हर बार रंग रूप संसार में लाखों बेसुनाए जिसकी जैसी धारणा वैसा आनंद भी है। अब तक पूरी नहीं तो राम प्रसन्न तुमने अभी तक जाना नहीं, हम दोनों के अंतर को वे कहां राज्य चिन्हित है और मैं कहां राज्य का स्वामी, मैं तो एक अधिकारी है, मैं महापंडित महाज्ञानी। अगर मेरी कृपा चाहते तो वही शिव धनुष तोड़ा होता, बल था तो यज्ञ भूमि में उससे नाता जो टूटता। तू योद्धा नहीं चोर है, इसलिए तुझे दिखा तेरी सोने की गंगा पर नफरत की ठोकर मारती हूँ। क्यों तक तक क्यों करती हो, हम तुम्हें एक मास का समय और देते हैं, अगर तब भी तुम्हारा दिल खराब होगा हमारा सर और हमारा हथियार होगा। ओ मेरा
भिक्षु का धर के भिक्षा का आग्रह
भय करके कुछ जल कुसुता सीता को जल कर ले गया अज भर के। बड़ा दुख पावे राजा राम जी की रानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, ओ राम कहानी सुनो रे राम कहानी, ओ राम कहानी सुनो रे राम कहानी। मोहे पटायो श्री राम ने मोहे पठायो, मैं राम दूत बन आयो। श्री राम ने मोहे पठायो, मैं राम दूत बन आयो। सीता माँ की सेवा में रघुगुर का संदेशा लायो, माता सीता सेवा में रघुगुर का संदेशा लायो। और संग लायो प्रभु मुद्री का निशानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, हो राम कहानी सुनो रे राम कहानी, हो राम कहानी सुनो रे राम कहानी, हो राम कहानी सुनो रे राम कहानी। ये कैसी माया है, ये मेरे स्वामी की मुद्रिका कहाँ से आ गई? जो कोई भी यहाँ है मेरे सामने आए, नहीं तो यह जनक दुला की सीता से श्राप दे देगी। जय श्री राम, जय श्री राम। माता जी परिणाम शांत हो जाइए, मैं हूँ श्री राम का सेवक, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। माता जी प्रभु श्री राम जी का हनुमान आपकी खोज के लिए प्रभु ने मुझे भेजा है। राम जी के जीत का भला लंका में क्या था, पहले तो तुम्हें श्री राम जी के साथ नहीं देखा था। माता जी आपका जाना सबसे है, जिस समय प्रभु राम आपकी खोज करते हुए अपने अनुज लक्ष्मण सहित ऋषि मुख पर्वत पर पहुंचे, वहीं पर हमारी भेंट भी, महाराज सुग्रीव से मित्रता भी वहीं पर हुई। उसी दिन से ये सेवक प्रभु राम जी की सेवा में है। नहीं, मैं ये कदापि नहीं मान सकती, जरूर रावण ने कोई माया रची है। माता जी विश्वास कीजिए, मैं प्रभु श्री राम जी के सौगंध खाकर कहता हूँ, हे जगदम्बा हे जगजननी, मैं शपथ खाकर कहता हूँ प्रभु श्री राम जी ने मेरे को भेजा है, उनकी सेवा में रहता हूँ। कहते हैं अंजनी पुत्र मुझे सुधी लेने आपकी आया हूँ, विश्वास आपको हो जाए इसीलिए ये मुद्रिका लाया हूँ। या तो मेरे स्वामी की मुद्रिका ही है, के बाद प्रभु अपने अन्य लक्ष्मण सहित कुशल से तो है। धन्य हो पुत्र, तुम्हारा कल्याण हो हनुमान, मेरे प्रभु ने मुझे कभी याद नहीं करते हैं। माता जी दोनों भ्राता आपके वियोग में
बहुत दुखी है। अब आप चिंता ना करें, मेरे वहां पहुंचने की देर है। अति शीघ्र प्रभु राम आपको रावण की कैद से छुड़ाएंगे। हे पुत्र मेरे प्रभु, तो मेरी हालत से अवगत करा देना, उन्हें शीघ्र भेजना। माता जी, इस बात को फलों को देखकर मेरा मन मुस्कुरा गया है। ऊपर से भूत ने भी पूरा हाल किया हुआ है। अगर आगे आगे कुछ फल खा लूं, फल खाने में कोई भय नहीं है। तू यहाँ बड़े बड़े राक्षस रोता है, खाते हैं। प्रभु राम जी की कृपा से उन राक्षसों से मुझे कोई भय नहीं है। तो मेरी तरफ से भी खूब पेट भरकर खाओ, या हो जा अजर अमर बेटा। मैंने तुमको शक्ति दी, युक्ति दी, मुक्ति दी और साथ में भक्ति दी। जिस जगह राम से जन्म होगा वहां राजकुमारा भी होगा। जिस जगह राम की महिमा होगी वहां जिक्र तुम्हारा भी होगा। अल्लाह माता जी, जय श्री राम, जय श्री राम।
अक्षय कुमार का वर्तन करने वाला अक्षय कुमार आपके सामने आज दिया गया हो इसे दिया जाए अखंड देव सुपने चाह इसके नाम पर जाने दे हो गया काम मैं आगे बैठ कुछ अपना पता बता दे तू देखे देखे कृष्णा और चले हैं हम अपना पति दावत पत्र चले
चली जाती है तो उसकी अकल खुद ब खुद उल्टी हो जाती है। मगर याद रख, किंतु रोएगा पछताएगा, किंतु गेहत हो जाएगा। शरारत से ना जाता युवा इतनी चला रहा है, मेरी इज्जत और आबरू को चूर मिट्टी में मिला रहा है। इज्जत आबरू तो आप कोई कसूर में ना बताते हो। अजब तमाशा है यारो, जमाना कैसा आ गया है। मां को पत्र को जाने क्या दर्दन लगाई है, मैं सब जानता हूं। आपकी जो बढ़ाई है सीहत नसीहत रावण को चुका, अरे ओ दादान करता है, समझे मौत अपनी का खुद ही संतान करता है। वह है क्रोध में अंधा कि उतना भी मान करता है, तुझे भी मौत आएगी कि उतना भी मान करता है। अब आती होगी कभी
चाहते हैं सास ऋषि कभी इस फाइल में हो जाए दोस्तबाजी आपके फिगर को भी आ सकती है सबसे प्रार्थना है धन्यवाद हो सियावत राम गंध महाराज की जय लंका दहन करने के बाद हनुमान जी अपनी भूष बजाकर माता सीता जी के पास जाते हैं और तर की बेल पे नाई लक्ष्मण मूर्छा और मां भगवती की सुंदर आरती सभी देखेंगे सभी प्रसाद लेकर अपने अपने निवास स्थान पर पहुंचे धन्यवाद डूब डूब कर चलती हुई हेलो गगन जी गगन 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 सभी से प्रार्थना है कृपया बैठ जाए सीता जी को अब चूड़ामणि का दृश्य सभी से विनती है कि बैठ जाए माता सीता से चूड़ामणि हनुमान जय श्री राम जय श्री राम।